हेलो एवरीवन, दिव्या स्पेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक इंडो चाइनीज रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है वेज मंचूरियन। वेज मंचूरियन में आज मैंने बहुत सारी सब्जियों को मिक्स करके बनाया है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आज मैं इसे रेस्टोरेंट जैसा बनाने की कोशिश करूँगी, आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। वेज मंचूरियन बनाने के लिए मैंने एक बड़ा बोल ले लिया है और उसमें मैं ये कैबेज डाल रही हूँ। ये मैंने 1.5 कप कैबेज लिया है, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है एकदम बारीक। आप चाहो तो इसको मिक्सी में भी डाल के थोड़ा सा क्रश कर सकते हो या छोटे छोटे बारीक पीस में काट सकते हो। ये मैंने 1.5 कप लिया है, इसको इस बोल में डाल देंगे। मैंने ये गाजर लिया है, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है, इसको भी इसमें डाल देंगे। ये 1/4 कप है। और ये मैंने बीन्स लिए हैं, बीन्स को भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये भी 1/4 कप है, इसको भी इसमें मिक्स कर देंगे। अब मैंने ये 1 टीस्पून लहसुन और 1 टीस्पून अदरक लिया है, इसको बारीक चॉप कर लिया है, इसको भी इसमें मिक्स कर देंगे। ये मैंने ग्रीन चिली लिया है, ये मैंने 2-3 ग्रीन चिली लिया है, इसको भी बारीक चॉप कर लिया है, इसको भी डाल देंगे। और ये स्प्रिंग अनियन लिए हैं थोड़े से, इसको भी इसमें मिक्स कर देंगे। और ये ब्लैक पेपर लिया है 1/2 टीस्पून, इसको भी इसमें डाल के मिक्स कर देंगे। अभी मैंने ये 2 टेबल स्पून प्याज लिया है बारीक चॉप करके, इसको भी इसमें मिक्स कर देंगे। और अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। अब मैं ये 3 टेबल स्पून ये मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है ये डाल रही हूँ, ये 3 चम्मच ले लेंगे। और मैदा भी ले लेंगे, ये मैंने मैदा लिया है, ये भी 3 चम्मच डालेंगे, 3 टेबल स्पून। बहुत ज़्यादा मैदा ना डालें, नहीं तो इसमें फिर बहुत कॉर्नफ्लोर या मैदा का टेस्ट आता है। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही इसके बॉल्स बनाएंगे। अभी मैंने सबको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, अब इसके छोटे छोटे ऐसे बॉल्स बनाएंगे, ऐसे गोल गोल करेंगे इसको। और दोनों हाथों में इसको ऐसे पकड़ के ऐसे गोल गोल करेंगे, ऐसे घुमाते हुए। देखिए इसके बॉल्स बन गए हैं, सारे ऐसे बॉल्स बना लेंगे। मैंने सारे बॉल्स को बना के रख दिया है, अब इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने गैस पे एक कढ़ाई रख दी है और उसमें मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। जब ये ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा फिर मैं इसमें ये बॉल्स को डालूँगी। अब ये तेल गर्म हो गया है, अब मैं गैस का फ्लेम मीडियम कर देती हूँ और इसको धीरे धीरे से डाल देंगे। धीरे धीरे इसको फ्राई करेंगे। अभी मैंने सारे डाल दिए हैं बॉल्स को, अब इसको मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे फ्राई करेंगे। जब ये गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा फिर इसको निकालेंगे। अब इसको पलट देते हैं। अभी देखिए ये गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है, अब मैं इसको निकाल के रख लेती हूँ। ऐसे एक टिश्यू पेपर पे इसको निकाल लेंगे जैसे इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा। अभी फिर से दूसरा बैच भी डाल देंगे, सेम वैसे ही प्रोसेस से इसको भी फ्राई करेंगे। देखिए ये भी गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको भी निकाल के रख लेंगे। अभी मैंने सारे बॉल्स को निकाल लिए हैं, अब इसका सॉस बनाएंगे। सॉस बनाने के लिए मैंने फिर से कढ़ाई रख ली है और उसमें मैंने 2 चम्मच तेल छोड़ दिया है और सारे तेल को निकाल लिया है। उसी कढ़ाई में सॉस बनाएंगे। अब ये तेल गर्म हो गया है, अब मैं ये बारीक लहसुन डाल रही हूँ। ये मैंने 1 बड़ा चम्मच लहसुन लिया है, इसको बारीक चॉप कर लिया है। और अदरक भी ले लिया है बारीक चॉप करके, इसको भी इसमें डाल देंगे। और ग्रीन चिली भी डाल देंगे, सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अब ये फ्राई हो गया है अच्छी तरह से। अब मैं इसमें ये प्याज डाल रही हूँ, प्याज मैंने 1/2 प्याज लिया है, इसको भी बारीक चॉप कर लिया है मैंने। अब ये मैं थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन डाल रही हूँ इसमें, इसको भी डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और ये मैंने बेल पेपर लिया है थोड़ा सा, और शिमला मिर्च लिया है, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया और लंबे लंबे काट लिए हैं, इसको भी इसमें डाल देंगे। डाल के इसको 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा सब्जियों को नहीं पकाना है, थोड़े सी क्रंची ही रखेंगे।
अब मैंने 1 मिनट तक इसको फ्राई कर लिया है। अब ये सोया सॉस डाल देंगे, 1 बड़ा चम्मच मैंने सोया सॉस लिया है, और ये विनेगर लिया है सिरका, इसको भी डाल देंगे, और ये मैंने सेजवन चटनी ली है 1 चम्मच, इसको ये मैंने रेड चिली सॉस लिया है, इसको भी डाल देंगे, और ये मैंने 2 बड़ा चम्मच टमाटर सॉस लिया है, इसको भी डाल देंगे, और ये मैंने 1 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस लिया है, इसको भी डाल दिया। सबको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको 1-2 मिनट तक पका लेंगे। ये मैंने MSG लिया है, चाइनीज़ सॉल्ट, ये ऑप्शनल है, लेकिन मैं रेस्टोरेंट स्टाइल बना रही हूँ इसलिए मैं डाल रही हूँ, आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो। और ये मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया इसमें, सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं ये काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून, इसको भी डाल के मिक्स कर लेंगे। और अब ये मैं 1 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है, इसको मैंने पानी में अच्छे से घोल लिया है, इसको धीरे धीरे से डालते हुए इसको हिलाते रहेंगे, मिलाते जाएंगे इसको। 1/2 कप पानी डालेंगे इसमें, अभी मैंने 1/2 कप इसमें और पानी डाल दिया है। अब इसको धीरे धीरे पकाएंगे, आप चाहो तो अगर ग्रेवी रखना है तो आप थोड़ी सी ज़्यादा पानी डाल सकते हो, अगर कम ग्रेवी रखना चाहते हो तो आप कम पानी डाल सकते हो। ये मैं थोड़ा सा ड्राई बना रही हूँ। अब ये सॉस पक के तैयार है, अब मैंने ये जो बॉल्स बनाए थे ये सारे बॉल्स इसमें डाल देंगे, ये मैंने सारे बॉल्स को डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक इसको पका लेंगे। अभी मैंने इसको 1 मिनट तक पका लिया है, अब ये लास्ट में स्प्रिंग अनियन डाल देंगे इसके ऊपर, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, और अब इसको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए मैंने 1 प्लेट ले लिया है, इसमें इसको ऐसे निकाल के रख लेंगे। तो देखिए गर्मा गर्म वेज मंचूरियन बनके तैयार है, मैंने इसे सर्व कर दिया है। ये बहुत ही टेस्टी स्टार्टर रेसिपी है, इसे आप स्नैक्स में बना के सर्व कर सकते हो। आप मेरे स्टाइल से बनाइए, खाइए, और अपने कमेंट करके मुझे बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।